हलचल नहीं है। उनका कहना है कि ग्रामीणों से बातचीत कर ली गई है और क्षेत्र में कहीं भी अंदरूनी पत्थरों के क्रेक आ रहे हैं। उन क्रेक के अंदर संभवतः पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे उन पत्थरों के बीच की हवा बाहर से निकल रही है, जिस कारण से भूगर्भीय धमाके और कंपन हो रहे हैं। मामले में मेघा पाटकर ने कहा कि गृह मंत्री के क्षेत्र में यह घटना गंभीर है। 5 गांव में यह शुरुआत में घटना हुई थी, जो पूरी नर्मदा घाटी में होने लगी है। समय रहते अगर उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा जांच नहीं की गई और अंदेशा सही तरीके से नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान हो सकता है। भू वैज्ञानिकों को जबलपुर ऑब्जर्वेटरी से आना पड़ा, जिसमें जियोलॉजिस्ट भू वैज्ञानिक ही नहीं तो भूकंप शास्त्रज्ञ भी थे, सिस्मोलॉजिस्ट भी एक थे। लेकिन इनको इसलिए आना पड़ा क्योंकि 5 से अधिक गांव, जहां 5,000 से अधिक जनसंख्या है, वहां पिछले 7-8 दिनों से धरती कांप रही है, स्फोट जैसा आवाज हो रहा है और कुएं में कहीं बुलबुले बार बार उछल रहे हैं। पर ये जो आवाज़ हो रहा है उसके साथ जो धरती कंप हो रहा है वो भूकंप है, और उसमें खाट उड़ती है तो लोग रात बेरात बाहर आकर अपने बाल बच्चों बूढ़ों के साथ सोने के लिए मजबूर हैं। शिक्षिकाओं ने हमको कहा कि भाई हमारे बच्चों के साथ हमको बाहर आके बैठना पड़ता है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंगें हो गई है कई सारी शालाओं की, अगर गिर पड़े तो क्या। और दीवार गिर पड़ी है मदिल के एक घर में, दयाराम भाई के दीवारों में दरार आई है, उमरिया जैसे गांव में बंजारा समाज के आदिवासियों के भी वही दीवार छट गई है। तो ऐसी स्थिति क्या बताती है, सरदार सरोवर ही नहीं पूरे नर्मदा के जो बड़े बड़े बांध के जलाशय हैं, ये नर्मदा सोन लिनामेंट पर बने हैं, ये फॉल्ट जोन है, ये जोन 3 में आता है भूकंप प्रवणता के आधार पर। और ये भूकंप प्रवणता के खास फॉल्ट लाइंस के जो क्षेत्र है वो अधिक गंभीर रूप से खतरे में है। और इतना बड़ा जल भंडार, वाटर बॉडी, उसका दबाव आना, उसके कारण धरती के अंदर के प्लेट्स का हिलना, और कच्छ का 2000 का भूकंप हो कि अभी अभी का 18 जुलाई का सूरत में तक गया हुआ भूकंप हो, हरेक का एपिसेंटर सरदार सरोवर में ही रहा है, और फिर भी जांच न करते हुए या यहाँ के सिस्मोग्राफिक सेंटर जैसे बड़वानी में है, कुक्षी में है, मध्य प्रदेश में 9 होने चाहिए उनका दावा है, लेकिन उसको एक्टिवेटेड न रखते हुए केवल एक मशीन, वो भी पुरानी मशीनरी न बदलते हुए, डैम सेफ्टी पैनल की सिफारिशें न मानते हुए इन्होंने पूरा डेटा गांधीनगर ले जाना चालू किया, जैसे मोदी जी हर चीज़ का करते हैं। और फिर वहाँ पूरा मॉनिटरिंग होता है नहीं होता है कौन जाने। अब मध्य प्रदेश को चाहिए था और आज भी चाहिए कि वो एक स्वतंत्र राज्य है और इसमें पूंजी निवेशक इन्वेस्टर है, और इतने बड़े लोगों का आहुति दान नहीं, आहुति इस योजना में दी जा रही है, 6,400 करोड़ का इनका हिस्सा है, तो ये कैसे कि मध्य प्रदेश के हाथ में डेटा नहीं, यहाँ है मशीन और डेटा जा रहा है गांधीनगर, इन्होंने उसको लेना चाहिए। हर बार गुजरात और दिल्ली के अथॉरिटीज़ यही जवाब देती रही है कि ये डेटा में तो कोई खतरा की निशानी नहीं है, पर डेटा हमारे हाथ में दे दो तो हम देखेंगे कि 3 रिक्टर स्केल के ऊपर कितनी फ्रिक्वेंसी, कितनी इंटेंसिटी आ रही है। और हमको मालूम है कि इनका जवाब हरदम रहता है कि डैम तो पुख्ता है, अभी भी 18 जुलाई के भूकंप पर यही जवाब दिया। डैम को पुख्ता करना एक बात है और पूरे क्षेत्र के स्ट्रक्चर्स को पुख्ता करना एक बात है। हर जगह कोयना में हो कि बरगी में हो, कच्छ के समय हो, डैम नहीं टूटा, लेकिन घर गिरते हैं, इंसान मरते हैं। और डैम को पुख्ता करने के लिए जहां 18 मीटर की गहराई तक 20 लाख टन से अधिक सीमेंट और 20 लाख टन से अधिक लोहा डालना पड़ा है, इसका मतलब कितना कमजोर है वो क्षेत्र, और बेसॉल्ट रॉक है पूरा। कल जो भूवैज्ञानिक आए थे उन्होंने शुरुआत से ये कहा कि हमको तो कोई पूरे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, एक देखने के लिए बुलाया गया। मैं कह रही हूँ कि देखने के लिए 7-8 दिन अगर लोग ये भुगत रहे हैं और लोग डर के छाया में है तो ये कैसे क्या कि देखने के लिए भुगता जा। बोले अगली डिमांड अगर आएगी इन्वेस्टिगेशन की तो हम हमारे सिस्मोमीटर्स वगैरह बुलाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब तब तक लोगों का क्या होगा, ये कोई भरोसा दे सकता है?
जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलता, और अगर निष्कर्ष ये है, जैसे कि कई साइंटिस्ट ने का साफ मानना है कि एक ही सीजन में इतना पानी एक ही बांध में एक ही क्षेत्र में भरना खतरे के पार है, तो ये अगर निकलता है तो फिर ये क्या करेंगे, उस पर कौन कार्यवाही करेगा कि उसके पहले ही पानी भर देंगे। हम चाहते हैं कि तत्काल निष्कर्ष निकाला जाए कि आखिर ये फिनोमिनन जो घटना घट रही है वो क्या है, और नर्मदा के पूरे सिस्मोग्राफ एक्टिवेट किए जाए और गांधीनगर से पूरी जानकारी ली जाए और वो पब्लिक के लिए खुली की जाए, क्योंकि अभी जो धक्के बैठ रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी संख्या और उसकी इंटेंसिटी, उसका जोर, उसकी ताकत बढ़ रही है, ये लोगों का साफ कहना है। तो इसीलिए ये केवल बेसाल्ट रॉक में ट्रैप्ड एयर के बाहर आने की कोशिश से हो रहा लोकल आवाज़ है, ये हम मानने को तैयार नहीं है। ये हमने उन वैज्ञानिकों को साफ कह दिया है, उन्होंने कहा हम भी कोई निष्कर्ष अभी नहीं रख रहे हैं, जबकि पहले उन्होंने ये कहा भी कि हम केवल देखने के लिए आए हैं और भूकंप का कोई सवाल नहीं है इसमें। हमने कहा कंप तो धरती ही कांप रही है, केवल घर नहीं कांप रहे, तो ये सब तत्काल देखना पड़ेगा। वो आज वापस गए हैं, मैं तो कह रही थी कि आप जबलपुर में मत जाओ, आप यही रुको, आपको जो मशीनरी मंगवानी है आप दूसरे आपके साथियों को सहकारियों को बुलवा लीजिए, इतनी अर्जेंसी युद्ध स्तरीय कृति की जरूरत किसी को महसूस नहीं हो रही है क्या, जैसे पुनर्वास में नहीं वैसे इसमें भी नहीं, ये सवाल है।